This conference will now be recorded. तो मैंने कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे यहाँ पर. क्वेश्चन दिए थे लाइक अगर मैं बात करता हूँ गिट्स की, तो मैंने दिया था व्हाट इज गिट एंड यूज और बेनिफिट. तो कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो मैं इस वाले लेक्चर में आपको बता भी देता हूँ, जो आपको आने भी चाहिए. तो गिट क्या है और गिट का यूज क्या है, बेनिफिट्स क्या है. ओके, उसके बाद गिट के बाद हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था लाइक व्हाट इज गिट ब्रांच एंड बेनिफिट्स और यूज, यानी कि बेनिफिट्स हो गया. तो आपको पता होना चाहिए कि गिट की ब्रांचेस क्या है. ब्रांचेस का यूज किस लिए करते हैं, क्योंकि अगर आप डेवऑप्स के जॉब के लिए जा रहे हैं तो आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाए, इट्स अ मैंडेटरी क्वेश्चन है. उसके बाद आपको मैंने बताया था व्हाट इज गिट स्टैश. स्टैश के बाद व्हाट इज गिट इग्नोर. तो देखिए, जो स्टैश है और जो इग्नोर है, ये दो चीजें जो है ना, आपको ये आपको सिनेरियो बेस्ड पूछा जाएगा. आपसे कोई डायरेक्टली नहीं पूछेगा व्हाट इज इग्नोर या व्हाट इज स्टैश. तो यहां पर ना कोई स्टैश वर्ड का यूज नहीं करेगा और ना ही कोई गिट इग्नोर का वो यूज करेगा. बट जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ना, वो क्वेश्चंस के लिए आपको ये दो चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि उस क्वेश्चन का आंसर तभी आएगा. फॉर एग्जाम्पल, कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम गिट पर काम करते हैं, तो नाउ द गिट के अंदर जब भी हमने क्या करा, दिस इज माय सिस्टम, हमने एक सिस्टम लिया और इस पर्टिकुलर सिस्टम पे नाउ वी हैव इंस्टॉल अ गिट. और हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपना गिट इंस्टॉल करते हैं. और गिट इंस्टॉल करने के बाद नाउ वी हैव क्रिएट अ वन रेपोजिटरी, और हमने वहां पे एक रेपोजिटरी को क्रिएट करा. और जब भी हम रेपो को क्या करते हैं, इनिशियलाइज कराते हैं विद गिट. जब भी हम गिट के साथ उस रेपोजिटरी को इनिशियलाइज कराते हैं, नाउ दिस रेपोजिटरी डिवाइडेड इन अ थ्री पैरामीटर्स. ये रेपोजिटरी हमारे थ्री पैरामीटर्स के अंदर डिवाइड हो जाती है. यस और नो? जिसमें से पहला पैरामीटर क्या होता है, वर्किंग डायरेक्टरी और वर्किंग स्पेस. देन स्टेजिंग एरिया, एंड देन ब्रांच. और उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है ब्रांच. और गाइस, मैंने आपको बताया था कि कभी भी आपको कोई भी डेटा क्या करना हो, पुश करना हो, कहां पर, गिटहब रेपोजिटरी पे. तो नाउ कि वो आपकी ब्रांच के अंदर होगा, तभी आप क्या कर पाओगे, अपने डेटा को पुश कर पाओगे. और यहां पे जो डिफॉल्ट ब्रांच बनती है, वो ब्रांच आपकी कौन सी बनती है, मास्टर बनती है. यस और नो गाइस, क्लियर है ये पूरा सिनेरियो सभी का? एवरीवन प्लीज रिप्लाई. अंकुश, अरुण, देव, कंचन, आमिर. यस सर. नाउ अब यहां पर कंडीशंस आती है कि सपोज करो कि आपके पास एक प्रोजेक्ट आया, दिस इज अ वन प्रोजेक्ट, एंड दिस प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू फॉर एग्जांपल एसक्यूएल. आपका कोई एसक्यूएल का प्रोजेक्ट चल रहा है. नाउ कि अब आप उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हो कहां पर, वर्किंग स्पेस. Yes or no? आपने क्या करा, दिस प्रोजेक्ट इज कंप्लीट 35%. 35% इसका कोड कंप्लीट हो चुका है. नाउ अब मेरे पास इमीडिएटली एक प्रोजेक्ट आता है लाइक अ पीएचपी का. कंपनी कहती है स्टॉप द एसक्यूएल और स्टार्ट द पीएचपी इमीडिएटली. आपको क्या करना है, स्टॉप करना है किसको, एसक्यूएल को, और स्टार्ट कौन सा प्रोजेक्ट करना है. अब आप क्या करोगे, अगर आपने और वर्क, अब आपको वो करना है तो वर्किंग स्पेस तो क्लीन करना पड़ेगा. यस और नो? अब आप वर्किंग स्पेस क्लीन करोगे, आपके पास अनकंप्लीट प्रोजेक्ट को आप गिटहब के अंदर पुश नहीं कर सकते. अगर आपने उसको स्टेजिंग एरिया में डाल दिया, तो स्टेजिंग एरिया डालने में आपके पास क्या प्रॉब्लम आएगी, कि हो सकता है कि आप कमिट करो, गलती से वो फाइल कमिट हो जाए, और वो फाइल कमिट हो गई तो अनकंप्लीट प्रोजेक्ट पहुंच जाएगा. अब
या भी हो सकता है कि यहाँ पर भी अलग अलग ब्रांचेस हैं। अब हो सकता है कि यहाँ पर मैंने बोला है नाउ यू एग्जीक्यूट एसक्यूएल ब्रांच और नाउ यू कैन एग्जीक्यूट अ पीएचपी ब्रांच। आपने यहाँ पे क्या कर रखा है, दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए दो अलग अलग ब्रांचेस को एग्जीक्यूट करा हुआ है, एक एसक्यूएल के लिए और एक पीएचपी के लिए। अब मैं चाहता हूं कि पीएचपी का कोड पीएचपी के अंदर जाना है और एसक्यूएल का कोड एसक्यूएल के पास जाना है। गॉट इन माई पॉइंट? अब इस पूरे सिनेरियो में आप क्या करोगे, गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए, कुल मिला के ये है। अब इस पूरे सिनेरियो में दो ऑप्शंस हैं। आपका यहां पर एक और पैरामीटर्स यूज होता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेस। तीन पहले बताए थे, चौथा बता रहा हूं, एक और आपका पैरामीटर्स यहां पे यूज होता है जिसमें होता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब है द स्ट्रेस होल्ड योर करेंट वर्किंग डायरेक्टरी वर्क, यानी कि आप जो भी काम कर रहे हो आप उसको स्ट्रेस में डाल सकते हैं और आफ्टर एडिंग स्ट्रेस योर वर्किंग स्पेस इज क्लीन। यानी कि अगर आपको अपना वर्किंग स्पेस खाली करना है नए काम के लिए और आप अपने उस प्रोजेक्ट को स्टेजिंग एरिया में एड ऑन नहीं करना चाहते, कंपनी कहते हैं कि मुझे स्टेजिंग एरिया में नहीं डालना, क्योंकि अगर स्टेजिंग एरिया में डाल दिया तो वहां से तो कमिट कर दिया तो ब्रांच में चला जाएगा। Yes or no? So, मुझे स्टेजिंग एरिया में नहीं डालना है और वर्किंग स्पेस को क्लीन करना है। So, अब बताइए कि अब आप उस कंडीशन में क्या करोगे, अगर आपको स्ट्रेस के बारे में नहीं पता तो स्टक हो जाओगे, क्योंकि आपको तो यही पता है कि वर्किंग स्पेस के बाद तो हमें ऐड करना होता है कहां पर, स्टेजिंग एरिया में, और स्टेजिंग एरिया से क्या करना पड़ता है, कमिट करना होता है ना ब्रांच। बट अब कंडीशन है आगे कि मुझे अपना वर्किंग स्पेस क्लीन करना है, तो आप क्या करोगे? आपका क्वेश्चन नहीं है ना, सिंपल सा है कि अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि मेरे पास एक नया प्रोजेक्ट आया है और नाउ वी नीड कि वर्किंग स्पेस में मुझे अपना वर्किंग स्पेस क्लीन करना है, सिंपल सा है, क्लीन करना है, सो आप उसके लिए क्या करोगे? सो सिंपल से आप कहोगे सर हम या क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे, उसको ब्रांच में ऐड कर कमिट कर देंगे, तो हमारा वर्किंग स्पेस क्लीन हो जाएगा। बट द प्रोजेक्ट इज अनकम्प्लीट और आपको पता है कि कमिट करने के बाद वो मेरा रिकवर्ड नहीं होगा, और स्टेजिंग एरिया में अगर मैंने रख दिया तो वो किसी भी ब्रांच के अंदर क्या हो सकता है, कमिट हो सकता है। तो स्टेजिंग एरिया के लिए मैंडेटरी नहीं है कि वो सिर्फ एसक्यूएल के अंदर ही कमिट हो। तो गाइस नाउ कि पहला है कि आप अपने वर्किंग स्पेस को अगर क्लीन करना चाहते हैं तो आप अपनी फाइल को स्ट्रेस के अंदर एड ऑन कर सकते हो। इफ यू कैन एड फाइल इन अ स्ट्रेस इट जनरेट अ स्ट्रेस आईडी, वो हर बार एक स्ट्रेस आईडी जनरेट करेगा 0 1 2। तो अगर आप कोई भी करंट फाइल को स्ट्रेस के अंदर डालते हैं तो उसकी बाय डिफॉल्ट जो आईडी होती है 0, और आपने क्या करा दोबारा से उसी फाइल को ऐड करा तो अब आईडी क्या होगी, पहले 0 है तो अब नेक्स्ट आईडी क्या होगी, दोबारा से स्ट्रेस करा 0 ही होगी, इससे पहली वाली फाइल की 1 हो जाएगी। आपने फिर से ऐड करा तो 0 ही रहेगी, पीछे वाली 1 उससे पीछे वाली 2, got it? यानी कि जो नंबर है वो इंक्रीज होगा आपकी पुरानी फाइल्स का, करंट फाइल का 0 ही रहेगा। अब आपको कौन से वाला डेटा करना है, यानी कि आपने पहले 5% करा स्ट्रेस में ऐड कर दिया, फिर दूसरा काम स्टार्ट कर दिया, फिर से आपने स्ट्रेस से फाइल ली, फिर से 5% ऐड कर दिया, अब आपको अगर 5% पुराना चाहिए तो उसकी आईडी आप यूज करिए, और अगर आपको नई चाहिए तो आप नई आईडी यूज करिए। तो स्ट्रेस में क्या होता है कि अगर आपको टुकड़ों में काम करना है तो आप अपनी फाइल को स्टेजिंग एरिया में ऐड ना करके यू कैन होल्ड अ फाइल इन अ स्ट्रेस। गॉट इट माय पॉइंट? यानी कि आप क्या है, बार बार हम क्या करते हैं कि हम पूरे दिन रहते हैं तो हम व्हाट्सएप बार बार खोलते रहते हैं ना, हर आधा घंटे के। तो अगर आप फ्री हुए तो फ्री टाइम में आपने फिर से अपना पुराने प्रोजेक्ट पे काम करा, फिर से आपने 1-2% काम करा, फिर कोई आ गया, फिर आपने क्लोज कर दिया। तो क्लोज करने के बाद उस फाइल को होल्ड कहां कराओगे? तो नाउ यू कैन होल्ड फाइल इन अ स्ट्रेस। दूसरा मैं चाहता हूं कि मेरी जो वर्किंग डायरेक्टरी है, जो वर्किंग स्पेस है, यहां पर मेरे दो प्रोजेक्ट हैं एसक्यूएल और पीएचपी। सो मैं चाहता हूं कि पीएचपी का जो फाइल है वो पीएचपी डायरेक्टरी के अंदर जाए और एसक्यूएल वाला प्रोजेक्ट की फाइल एसक्यूएल की ब्रांच के अंदर ही, यानी कि अपना अपना फाइल है, यानी कि चाहकर भी एसक्यूएल की फाइल पीएचपी में नहीं जानी चाहिए।
यानी कि डेडिकेटेड में चाहता हूं कि जो प्रोजेक्ट्स है उसी से रिलेटेड, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इग्नोर। इग्नोर का मतलब है कि अगर मैंने इग्नोर के अंदर जो भी चीजें एड ऑन कर दी वो चीज आपको इंट्रोड्यूस ही नहीं होगी, यानी कि वो चीज आपको दिखाई ही नहीं देगी। तो ये जो चीजें हैं ये गाइस आपको थोड़ा सा पता लगेगा जब मैं प्रैक्टिकली क्या करूंगा, इन चीजों को इम्प्लीमेंट करूंगा। सो जब तक मैं इनको इम्प्लीमेंट नहीं करूंगा, जब तक आपको ये चीजें प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं होंगे। सो सिंपल सा है हाउ टू एग्जीक्यूट दीज ऑल थिंग्स। अगर ये सारी चीजों को हमें करना है तो सबसे पहले वही है कि हम अपना एक सिस्टम बनाते हैं, और सिस्टम बनाने के बाद नाउ इंस्टॉल अ गिट, उस पर हम गिट इंस्टॉल करते हैं। सो चलते हैं गाइस एंड नाउ की ऑलरेडी। हाँ बताइए सर, सर कंपनी हमारे को मना ही क्यों करेगी सर स्टेजिंग एरिया के अंदर रखने को कोई फाइल? मना क्यों करेगी? हाँ जी, जैसे सर आप कह रहे थे ना कि स्टेजिंग एरिया में ना रख के हम सैच में रख सकते हैं। भाई स्टेजिंग एरिया में अगर आपने फाइल को रख दिया तो कमिट हो जाएगी, तो किसी भी ब्रांच में जा सकती है ना फाइल आपकी, मिस्टेक हो गई तो? सर वो तो हम करेंगे तो जाएगी ना कमांड। यार सीधी सी बात है, आप करोगे तो जाएगी ना, जब फाइल ही 100-200 फाइल है तो। आमिर जी, फाइल अगर 100-200 है तो फिर एक नाम की मल्टीपल है, फिर आप एक लार्ज स्केल पे देखो ना, आप छोटे स्केल पे मत देखो ना। आप कह रहे हो हम कमिट करेंगे, कमिट तो करनी है ही आपको फाइल, आप जो नया प्रोजेक्ट बनाएंगे उसकी फाइल भी तो कमिट करोगे ना, मर्जी तुम्हारी है, मत रखो स्ट्रेस में। भाई सीधी सी बात है, मैंने आपको बोला है कि आप ऑनलाइन पेमेंट करो, आप कह रहे हो मैं ऑनलाइन ही क्यों करूं? ठीक है, तो अब आपको अपने पेरेंट्स को पैसे भेजना है गांव में तो जाके देके आ जाओ, टिकट बुक करो, वो सारा करो, मना थोड़ी ना है, हमें तो पैसे से मतलब है आप कैसे पहुंचाते हो। अगर आपका कमिट हो जाता है तो आप ही जवाब दोगे कि भाई ये गलत कोड यहाँ पे आया कैसे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है फिर? ठीक है तो भाई बन निभाओ। सो नाउ गाइस कि आप यहाँ पे सेम ही कॉन्सेप्ट है, नाउ हम लॉगिन विद गेट। यार जीवाई ले लिया, ओपन गिट बैश एंड नाउ सीडी यूजर वन, एक रैपो हमने बना रखी थी यूजर वन से, नाउ द गिट ब्रांच। नाउ कि यहाँ पर हमारे पास टोटल 1 2 3 4 फोर ब्रांचेस बनी हुई हैं। सारी ब्रांचेस वगैरह कैसे बनाते हैं लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है। अब मैं सबसे पहले चाहता हूं कि मैं यहाँ पर ना एक फाइल बना रहा हूँ गिट इग्नोर, और वो जो गिट इग्नोर की फाइल है उस फाइल को मैं एड ऑन करूंगा, या मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार क्या करता हूँ ब्रांचेस को डिलीट कर देता हूँ, दोबारा से क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो नाउ गिट CHEC के चेक आउट MASTER मास्टर गिट ब्रांच, नाउ करेंटली लॉग इन विद मास्टर एंड गिट BRANCH ब्रांच -- कैपिटल D एंड जावा, उसके बाद थी हमारी SQL एंड Python and now check the git branch. So guys अभी only master branch है। अब मैं क्या चाह रहा हूं, मैं यहाँ पे एक फाइल बना रहा हूं, सबसे पहले एक इग्नोर फाइल, यानी कि मुझे एक स्क्रिप्ट एड ऑन करनी पड़ेगी, और वो स्क्रिप्ट मैं जिस भी ब्रांच के अंदर कमिट करूंगा वो स्क्रिप्ट उस ब्रांच पर एप्लीकेबल हो जाएगी। Got my point? यानी कि वो स्क्रिप्ट मैं जिस भी ब्रांच पे एड ऑन करूंगा वो उस ब्रांच के लिए ही क्या होगी, सिर्फ एप्लीकेबल होगी। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूं, नाउ कि वी हैव क्रिएट अ वन फाइल, मैं यहां पे एक फाइल बना रहा हूं touch डॉट git गेट ignore। तो मैंने एक फाइल बनाई डॉट गेट इग्नोर के नाम से, देन vim डॉट इग्नोर डॉट गिट इग्नोर फाइल के अंदर गया, ओपन करी फाइल को, आई फॉर इंसर्ट, और अब मैं यहां पे लिख रहा हूं स्टार। सो गाइस स्टार का मतलब
कोई भी नाम हो सकता है, कहते ना कि आपका कोई भी नाम हो सकता है बट आपकी फैमिली का सरनेम सेम ही रहेगा, यस और नो? सो मैंने यहां पे लिख दिया स्टार डॉट सी एस एस, स्टार डॉट जावा, स्टार डॉट पी वाई, स्टार डॉट पीपीटी, स्टार डॉट पीएचपी। तो मैंने ये कुछ एक्सटेंशन डाल दिए कि इन एक्सटेंशन से रिलेटेड फाइल्स क्या होगी, इग्नोर हो जाए, got it? लेकिन ये फाइल इग्नोर कहां पर हो, ये तो मैंने बता दिया कि ये वाली फाइल्स क्या हो जाएं, इग्नोर हो जाएं। सो मैंने डॉट सी एस एस, डॉट जावा, डॉट पी आई, डॉट पीपीटी, डॉट पी एच पी, ये मैंने पांच एक्सटेंशन डाले स्केप कॉलन डब्ल्यू क्यू। उसके बाद मैंने क्या करा, जी आई डी गेट बी आर ए एन सी एच ब्रांच एस क्यू एल, मैंने एक एसक्यूएल की ब्रांच बनाई। यू कैन सी द गिट ब्रांच, आप देख सकते हैं मेरे पास एक ब्रांच है एसक्यूएल। देन गिट चेकआउट एसक्यूएल, नाउ आई एम लॉग इन विद SQL branch, you can again check git branch, SQL से login हूँ, git status status, तो मेरे पास एक git ignore की file available है, yes or no? Then अब मैं यहाँ पर आता हूँ like modify project1.py और git one, so अब मैं यहाँ पर आता हूँ git add and dot git ignore, इस फाइल को मैंने क्या करा, एड करा। नाउ यू कैन सी कि दिस फाइल इज कमिंग ऑन स्टेजिंग एरिया, ग्रीन कलर से आपको दिख रही है। देन गेट सी ओ डबल एम आई टी कमिट डॉट गेट इग्नोर हाइफन एम बिटवीन इनवर्टेड कॉमा एंड आई जी एन ओ आर इग्नोर सी एस एस जावा पी एच पी 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 टी और क्या था कोई नहीं, और मैंने यहाँ पे ये फाइल्स को एड ऑन कर दिया। क्लियर? अब ध्यान देखना गाइस, गेट एस टी ए टी यू एस स्टेटस, सो यहां पर देखिए प्रोजेक्ट डॉट एसक्यूएल आ रहा है, प्रोजेक्ट डॉट पी वाई। सो मैंने पी वाई फाइल को एड ऑन नहीं करा था, अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको मैं ग्राफिकली भी दिखा देता हूं, क्योंकि यूजर वन मेरी ये फाइल है, ठीक है। यहाँ पे डॉट इग्नोर फाइल ये मैंने बनाई थी, नाउ ओपन दिस फाइल, डॉट नेट जिन्होंने नहीं डाला हुआ, तो यहाँ पे देखिए सी एस एस आ रहा है, जावा आ रहा है, पी वाई भी आ रहा है, डॉट PPT भी आ रहा है, डॉट पी एच पी भी आ रहा है, तो ये वाली फाइल्स हैं जो मैंने क्या करी है, एड ऑन करी है। क्लियर? सो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं सिंपल सा करता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ फाइल्स बना रहा हूँ, लाइक रीनेम करा न्यू फाइल, और मैंने यहाँ पे डाल दिया लाइक का फाइल नेम राज, राज डॉट एसक्यूएल, मैंने एक राज डॉट एसक्यूएल नाम से फाइल बनाई। नाउ आई एम जस्ट क्रिएट अ फाइल कि मैं यहाँ से ही बना देता हूँ, टी ओ यू सी एच टच लाइक ए एम आई टी अमित डॉट पी पी टी लाइक एस एच यू बी एच एम शुभम डॉट पी एच पी लाइक पी आर ए डी डब्ल्यू पी प्रदीप डॉट पी वाई और लाइक और कोई नाम है किसी का याद मुझे, आदित्य डॉट सी एस एस। तो कह दी कि मैंने यहाँ पे इतनी सारी फाइल क्रिएट करी, यू कैन सी कि ये सारी की सारी फाइल्स मेरी इसी डायरेक्टरी के अंदर क्रिएट हुई है। ये देखिए प्रदीप प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट थ्री भी आ रही है, और ये राज और शुभम और टेस्ट, सारी फाइल्स वही हो रही है। नाउ कि अब अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ गेट एस टी ए टी यू एस टी, तो ये सारी फाइल दिखनी चाहिए कहाँ पर, स्टेजिंग एरिया वर्किंग स्पेस में, बट यहाँ तो दिख ही नहीं रही, मुझे तो राज दिख रही है खाली, बाकी सब फाइलें कहाँ गई?
वो सारी की सारी फाइल इग्नोर हो गई। अब गेट CHEC के चेक OUT आउट MASTER मास्टर ब्रांच है मेरी, गेट स्टेटस देखते हैं, अब तो सारी आ रही हैं, यानी कि मैं मास्टर ब्रांच से लॉगिन हो रहा हूं, या फिर मैं यहां पे करता हूं लाइक अ गेट BRANCH ब्रांच जावा, मैंने एक जावा की ब्रांच बनाई, यस और नो, एंड गेट CHEC के चेक आउट जावा, नाउ गेट ब्रांच, तो कभी करंटली जावा से हूं, नाउ अगेन आई चेक द गेट स्टेटस, मुझे सारी फाइल दिख रही है। अगर मैं यहां पे लिखता हूं लाइक अ गेट चेकआउट SQL देन स्टेटस, अब नहीं दिख रही। तो वो फाइल जिस फाइल ब्रांच के अंदर मैंने स्क्रिप्ट को ऐड करा है ना, सिर्फ उसी ब्रांच के लिए इग्नोर हुई है फाइल, अदर ब्रांच के लिए नहीं है। सो अब मैं चाहकर भी SQL वाली ब्रांच में कोई अदर फाइल को नहीं कर सकता। क्लियर द पॉइंट एवरीवन? सो दिस इज अ बेनिफिट ऑफ इग्नोर, कि अगर आपके पास, मेरा कोई प्रोजेक्ट हुआ और मैं नहीं चाहता कि XYZ इस चीज से रिलेटेड कोई चीज मेरे ब्रांच के अंदर आए, तो मैं वहां पे पहले से ही क्या करूंगा, स्क्रिप्ट को एड ऑन करके रखूंगा कि मेरे पास इस चीज से रिलेटेड चीजें नहीं आनी चाहिए। क्लियर एवरीवन द यूज ऑफ द गिट इग्नोर? तो ऑल इज क्लियर, कुछ भी नहीं है, बट आप देखिए आपके पास यहां सारी फाइल्स हैं, क्योंकि लोकल रेपो में रखेगा इन केस की मेरी डिस्ट्रीब्यूटेड जो मेरी वो है, मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था DBCS और CBCS में क्या फर्क है, अभी पूछूंगा आप लोगों से पढ़ के, तो आप लोग आए हो बट फेस आपका बता रहा नहीं पढ़ा, वो बात है, गलती मेरी नहीं है, पैसा तुम्हारे घर वालों के पास बहुत है, मेरा नंबर है और ट्रांसफर करा देना एक एक बार फीस। और सो गाइस सिंपल सा, देखिए ये आपकी लोकल डायरेक्टरी के अंदर है, कंपनी कहती है कि जो सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम था उसमें ये वाला ऑप्शन नहीं था, यानी कि आप अपने लोकल सिस्टम पर कुछ भी सेव नहीं कर सकते थे, वो एक डिपेंडेंसीज बनी हुई थी कि जब तक आपके सेंट्रल वर्जन कंट्रोल सिस्टम से आप नहीं कनेक्ट होंगे आपको डेटा विजिबल ही नहीं होगा। बट अब गिट के अंदर क्या है, चाहे मैं कनेक्ट हूं या नहीं हूं, मेरा डेटा मेरे लोकल सिस्टम पर भी, तो मैं अपना काम तो कर सकता हूं ना, जब मेरी कनेक्टिविटी आएगी तो मैं डेटा को क्या कर दूंगा। ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है DBCS और CBCS में, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम और सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम, प्रैक्टिकली मैंने आपको दिखाया है। तो नाउ सर सही पढ़ा रहे प्रदीप जी, बता देना कोई गलती वलती हो जाए तो। अब गाइस आगे चलते हैं स्ट्रेस की, अब स्ट्रेस की बात करते हैं। सो सपोज करिए नाउ कि स्ट्रेस के लिए मैं क्या करता हूं, आई एम यूजिंग जावा ब्रांच, मैं यहाँ पे जावा ब्रांच का यूज करता हूँ, सेम एज लिनक्स पे, और मैं आपसे कोशिश करूंगा कि आप सभी लोग प्रैक्टिस लिनक्स पे करें, कोई भी बंदा विंडोज पे प्रैक्टिस नहीं करेगा। जितना ज्यादा लिनक्स को अपनी लाइफ में एड ऑन कर लोगे उतनी अच्छी प्रोफाइल बनेगी और उतना बेस्ट है। जो भी बंदा विंडोज पे काम कर रहा है मैं उससे बोलूंगा रिप्लेस सारी चीजें लिनक्स पे करने की कोशिश करो, डिफिकल्ट आएंगी, पढ़ना पड़ेगा हर चीज के लिए, आपको बहुत सर्च करना पड़ेगा, बट धीरे 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 करोगे तो अगले आने वाले 6 महीने में लिनक्स से यूजर फ्रेंडली हो जाओगे। मैं सच बता रहा हूँ, विंडोज पे फिर आपका मन ही नहीं करेगा, 10 times सिक्योर देन विंडोज और फास्टर। तो लिनक्स को अपनी प्रोफाइल में जितनी जल्दी ऐड कर लोगे उतना जल्दी और रिप्लेस करो विंडोज को। नाउ गाइस अब यहां पर आता है नेक्स्ट की, मैंने यहाँ पे गेट CHEC के चेक आउट और गिव द नेम इज लाइक जावा, नाम लॉगिन विद जावा ब्रांच, और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट करा लाइक TOUCH टच जावा
PROJECT प्रोजेक्ट। मैंने एक फाइल स्टार्ट करी जावा प्रोजेक्ट। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, VIM जावा प्रोजेक्ट एंड I4 इंसर्ट हेलो इंडिया डे वन। मैंने डे वन काम करा स्केप कॉलन डब्ल्यू क्यू और गेट एड डॉट गेट COMIT कमिट हाइफन एम जावा डे वन वर्क। और मैंने इस फाइल को क्या करा, ऐड कर दिया। उसके साथ साथ अदर फाइल्स भी मेरी क्या हो गई, ऐड हो गई। सारी फाइल्स ही मेरी जावा में चली गई, लेकिन मेरी जावा वाली फाइल भी क्या हो गई, चली गई। अब गई यहाँ पे देखिए गेट STATUS स्टेटस, कोई फाइल नहीं है। अब मैंने दोबारा से करा विम जावा प्रोजेक्ट हेलो इंडिया डे वन I4 इंसर्ट। अब यहां पे लिखा मैंने डे टू में काम करा, क्लियर। मैंने क्या करा, हाउ आर यू फ्रेंड्स डे टू। अब कंपनी के पास कोई इमीडिएटली नया प्रोजेक्ट आता है, कंपनी कहती है स्टॉप दिस प्रोजेक्ट एंड स्टार्ट PHP प्रोजेक्ट। हो सकता है एस्केप कॉलन डब्ल्यू क्यू। अब उसके लिए आपको क्या चाहिए कि आपका वर्किंग स्पेस क्लीन करना है। इफ यू कैन सी द LS, तो LS में आप देखिए कि आपको वो जावा वाली फाइल विजिबल हो रही होगी। यस और नो गाइस, अभी आपको दिख रही है। अब मुझे क्या करना है, इस फाइल को क्या करना है, स्टैश कर दूंगा, मैं इसको ऐड नहीं करना चाहता। सो टाइप कमांड गेट STASH स्टैश, और जैसे ही मैंने गेट स्टैश करा, नाउ यू कैन चेक ls कमांड। तो जावा प्रोजेक्ट फाइल आपको वहां दिख रही है ls करने पे, बट गेट STATUS स्टेटस पे आपको फाइल नहीं दिखेगी। गेट स्टेटस पे आपको क्या है, फाइल नहीं दिख रही है, क्योंकि अगर मैं इसको ऐड करता तो ये ग्रीन कलर से शो होती और वर्किंग स्पेस में होती तो रेड कलर से। अब ना तो मैंने इसको ऐड करा, तो अब आता है कि वो फाइल गई का। और हाँ, आपकी जो लोकल रेपो है उस लोकल रेपो के अंदर तो वो फाइल है ना। अगर आप ओपन करके देखना चाहते हैं, सो नाउ यू कैन सी द फाइल। तो यहां तो हेलो इंडिया डे वन ही लिखा आ रहा है। मैंने जो काम करा वो कहां गया, वो तो इस फाइल के अंदर ही नहीं है। यस और नो, मैंने लिखा था ना डे टू, वो वाला काम भी नहीं है, क्योंकि मैंने बोला था कि मुझे वर्किंग स्पेस क्या चाहिए, क्लीन। मैंने उनको बोला कि आपको ये वाला काम नहीं करना, आपको इससे पहले वाला काम कंप्लीट करो। यानी कि यहाँ पे क्या है, हेलो इंडिया हाउ आर यू फ्रेंड्स डे वन लिखना था, तो आप क्या है, आप दूसरा काम को स्टॉप करो और पहले वाले काम को एडिट करो। यानी कि सिंपल सा है, इसका जो कॉन्सेप्ट ये है कि आपने पहले कोई कोड कमिट कर दिया, अब जब आपका बिल्ट हो रहा है तो उस वाले, और अब आपके दूसरे कोड पे काम कर रहे हो, अब पहले वाले कोड में एरर आ गया, तो इमीडिएटली आपके पास क्यूरी आई कि पहले आपको वो सॉल्व करना है। तो आप दूसरे कोड को कमिट कर दोगे तो वो तो जाके एड ऑन हो जाएगा उसमें, बट वो भी तो काम नहीं करेगा ना, तो पहले वाले कोड में। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर उसको स्टैश में होल्ड कर दिया। तो जो भी काम आपने करा था वो आपकी फाइल के अंदर एड ऑन नहीं हुआ है, वो कहां पर होल्ड हो रखा है, स्टैश के अंदर होल्ड। अब आपको इसके अंदर जो भी चेंजेस करनी है आप कर सकते हो। लाइक मैं कहता हूं हेलो इंडिया दिल्ली यूएस, उसने कहा था इंडिया नहीं दिल्ली यूएस भी लिखना था, एंड नाउ कंट्रोल एस, और आपने सेव कर दिया। अब आपने जब फाइल को सेव करा, लाइक ग्राफिकली मैंने काम करा, यू कैन चेक लाइक गेट STATUS स्टेटस। तो देखिए आपके पास फाइल पे मॉडिफाई लिखा आ गया। लाइक अगर मैं कैट करके जावा प्रोजेक्ट के अंदर देखता हूँ क्या लिखा हो, तो उसके अंदर लिखा हेलो इंडिया दिल्ली यूएस डे वन।
आपने पहले वाले कोड को क्या करा, सही करा, और सही करने के बाद आपने क्या करा, उसको गेट एड डॉट, और उसको क्या कर दिया आपने, एड कर दिया स्टेजिंग एरिया में और गेट स्टेटस, और आपने क्या करा वो फाइल भी आपकी क्या हो गई एड। लेकिन वो वाली फाइल कहाँ है जहां पर मैंने डे टू लिखा, आपने वो एरर आया, आपने उस एरर को सॉल्व करा और फाइल को दोबारा से क्या कर दिया, प्रोसेस कर दिया। देन आपने क्या करा, गेट कमिट हाइफन एम बिटवीन इनवर्टेड कॉमा और आपने फाइल को कमिट कर दिया। नाउ गेट स्टेटस, दोबारा से चीजें क्या हो गई, अब मुझे वही वाला काम वापस लाना है, क्योंकि भाई मैं तो सेकंड कोड का भी सपोज करो 20% कर चुका ना, अब वो काम गया कहां, आपके माइंड में आ रहा है वो काम गया कहां फिर, क्योंकि ना तो वहां दिख रहा हो ना ही हमने ब्रांच में भेजा, तो वो फाइल गई तो गई कहां। तो गाइस एक्चुअली मैं वो जो फाइल है वो स्ट्रेस में पड़ी हुई। नाउ गेट STS stash hyphen hyphen list STASH ही तो है hyphen hyphen list, तो एक मिनट ये कमांड नहीं है, git stash की कमांड है, तो git stash की कमांड क्या है, git stash file file सॉरी शो कमांड ही भूल गया मैं, गेट स्टेटस, गेट स्टेटस हाइफन एल आई एस टी लिस्ट, नहीं गेट स्टेटस हाइफन हाइफन गेट स्टेटस क्या कमांड है भाई, स्टेटस फाइल देखने के लिए हाइफन हाइफन लिस्ट ले नहीं रहा ना ये सर, गेट स्टैश लिस्ट नॉर्मली लिखना है, लिस्ट नॉर्मल हो गया। तो गाइस ये कमांड है गेट स्टैश एंड लिस्ट, तो मैंने करा तो देखिए यहाँ पे स्टैश एट द रेट और बिटवीन ब्रैकेट्स में जीरो लिखा आ रहा है, यस और नो, यहाँ पर आपकी वो फाइल लिखी रखी हुई है। अब मुझे अगर ये फाइल को स्टैश से वापिस लाना है तो एक चीज ध्यान रखना, आप जब स्टेज से वापस लाओगे तो ये फाइल यहाँ से डिलीट नहीं होगी, ये यहाँ पर पड़ी रहेगी, आपको कभी भी रिकवर करनी होगी तो आप यहाँ से भी इसको रिकवर कर सकते, यानी कि आप अपने अनकम्प्लीट काम को या अपने पेंडिंग वर्क को स्टेज के अंदर होल्ड करा सकते हो। अब जो भी पेंडिंग काम है आप उसको अगर वापिस लाना चाहते हो वर्किंग स्पेस पे, क्योंकि एडिटिंग मॉडिफिकेशन सारा वर्क कहां पर होगा, वर्किंग स्पेस के अंदर ही होगा। तो नाउ सिंपल सा है, गेट stash और गिव द फाइल नेम, तो फाइल नेम मेरा क्या है, तो मेरा जो फाइल नेम है गाइस यही पूरा का पूरा फाइल नेम है, एंड नाउ चेक द एक मिनट, कैन नॉट रिज्यूम ड्यू टू अनएक्सेप्टेड stash एट द रेट, गेट एस टी ए टी यू स्टेटस फाइल नहीं आई है, शो द गेट स्टैश लिस्ट, देन गेट स्टैश मिनट, ओके सर ये जो लास्ट की आईडी आ रही है ये कमांड है, गेट स्टैश अप्लाई, तो गेट स्टैश अप्लाई और देन स्टैश आईडी, तो देखिए यहां पर फाइल आपकी आ गई, क्लियर, दोबारा से फाइल आपकी आ गई। नाउ चेक द गेट एस टी ए टी यू स्टेटस, और अब यहां पर जब ये फाइल आ गई सो नाउ हम गो कम बैक टू हियर, अब क्या आ रहा है, हेलो हाउ आर यू फ्रेंड डे टू, यानी कि पहली फाइल में ये लिखा हुआ था
और मैंने जब स्ट्रेस करा था तो ये तो मैंने पहले था ही, मैंने ये वाली लाइन और एड ऑन करके करी थी, तो ये दोनों काम हुआ था। अब उसने क्या करा, दोनों फाइल्स को ऐड करके एक साथ दी, यानी कि जैसे ही मेरी फाइल, तो यहाँ पर गाइस आपको वही फाइल दिखाई देंगी जो आपके वर्किंग स्पेस के अंदर क्रिएट करी है। सो नाउ कि अब मैं अगर यहाँ पर आता हूँ, तो देखिए यहाँ पर आ गया बॉथ मॉडिफाइल जावा। अब यहाँ पे क्या करूंगा, गेट एड डॉट एंड गेट COMIT commit hyphen m between inverted comma is it my COMIT commit 3। अब मैंने उस फाइल को भी एड ऑन कर, अब मुझे दोबारा से फाइल चाहिए गेट स्टेट से, तो मैं दोबारा से क्या करूंगा, इसी फाइल के अंदर अगर मुझे और भी काम करना है तो मैं दोबारा से यहां से फाइल ले लूंगा, क्योंकि मैंने तो कोड भेज दिया बट मेरे पास मेरा कोड भी रखा है ना, कि मैंने क्या कोड वहां पर आगे भेजा है, क्योंकि वो कोड क्या है स्टैश के अंदर तो अनकम्प्लीट है, लेकिन जो मेरा कंप्लीट कोड है वो मेरी लोकल रेपो के अंदर भी पड़ा हुआ है। तो यहां पर ये चीज ध्यान रखनी है कि पहली बात कि आप किस ब्रांच के अंदर काम कर रहे हो। अगर आपने एक कोड को अलग अलग ब्रांच में डाल दिया तो जिस ब्रांच में जो कोड दिखा है वो आपको तभी विजिबल होगा जिस ब्रांच से आप लॉगिन हो। अगर मैं जावा से लॉगिन हूं तो जावा से रिलेटेड फाइल्स मुझे दिखेंगी, और अगर मैं पाइथन से रिलेटेड हूँ तो पाइथन से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा। यानी कि यहाँ पर जो पूरा गेम है वो पूरा गेम ब्रांचेस का है, कि आपका जो डेटा रिप्रेजेंट होगा लोकल रैपो के अंदर इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन ब्रांच। अगर मैंने हेलो इंडिया जावा के अंदर करा है और हाउ आर यू इंडिया पाइथन के अंदर करा है, अगर मैं पाइथन से लॉगिन हूं तो हाउ आर यू इंडिया मुझे फाइल के अंदर दिखाई देगा, और अगर मैं जावा से लॉगिन हूं तो हेलो इंडिया मुझे दिखाई देगा। क्लियर द पॉइंट? सो यहाँ पर जो भी आपको डेटा विजिबल होगा इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन अ ब्रांचेस। दूसरा स्टेज आपका पेंडिंग इनकम्प्लीट वर्क, क्योंकि आप इनकम्प्लीट वर्क को कमिट कर नहीं सकते हो। अब इमीडिएटली है कि आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो बट आपके पहले वाले कोड के अंदर ही इश्यूज आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप नया कोड तो लिखोगे नहीं ना जब तक पहले वाला सॉल्व नहीं होगा। तो अब आप क्या करोगे, पहले वाले को होल्ड कराओगे, अगर आप उसी फाइल में उसको एड ऑन कर देंगे तो जब पहले वाले का एरर है तो हो सकता है दूसरा कोड भी क्या कर देगा, तो आप उसको कहां पर होल्ड कराओगे, स्टैश के अंदर, क्योंकि सेम नाम की फाइल अगर स्टेजिंग एरिया में डाली तो वो उसको क्या कर देगा, मर्ज कर देगा, बॉथ फाइल इज एडिट, वो पहले और दूसरे कोड को दोबारा से क्या करेगा और मॉडिफाई दिखाने लग जाएगा। इसलिए आप चाहते हो कि मेरा कोड एक्सेस ही ना हो, तो इसलिए क्या करेगा, आप उसको स्टेजिंग के अंदर होल्ड करा सकते हो। सो क्लियर है एवरीवन गाइस? नाउ कि अब मुझे अगर स्टेजिंग को, ये आपकी कमांड है गेट स्टेट्स अप्लाई, अगर मुझे अब नेक्स्ट फाइल करनी है तो ये जीरो की जगह 1 2 3 इस तरीके से नंबर्स क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे, उसी हिसाब से आपको है। अब लाइक अ गेट स्टेट्स और यहाँ पे CLEAN क्लीन, सॉरी गेट स्टेट्स क्लियर, तो मैंने यहाँ पे क्लियर कमांड चलाई, और अब आप देखिए अगर मैं यहाँ पे लिस्ट कमांड चलाता हूँ तो वो अब आपको विजिबल नहीं होगी। यानी कि स्टेट्स को अगर आपको परमानेंट क्लीन करना है तो आप कमांड चलाओगे क्लियर गिट स्टेट्स क्लियर। सो जो भी वहां पे फाइल्स होंगी, आपने बोला कि यार मेरा प्रोजेक्ट हो गया फिर भी मैं अपने स्टेट्स को क्यों फुल रखू, तो बेटर है कि जो फाइल्स मेरे काम की नहीं है मैं उन फाइल्स को वहां से डिलीट कर दो। सो क्लियर, या फिर आप उसके आगे उसकी आईडी एड ऑन कर दीजिए फाइल्स की, तो उस हिसाब से वो क्या हो जाएंगी, आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब उसके अलावा गाइस अगर आपको किसी पर्टिकुलर रेपोजिटरी पे काम करना है, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पर आता हूँ सिंपली और मैं यहाँ पर आके इन सारी फाइल्स को डिलीट कर देता हूँ, क्लियर, मैंने अपनी लोकल रेपो से, अब मुझे अगर फाइल लेनी है तो मेरी फाइल्स मेरी ब्रांचेस में है, मैं वहां से पुश करूंगा वो मेरी रेपोजिटरी पे पहुंच जाएंगी और वहां से मैं दोबारा से डाउनलोड कर लूंगा। बट अगर आप कभी कभार आप YouTube पर जाते हो, तो आप लोग क्या करते हो, लाइक आप किसी भी YouTube पर गए, ठीक है ना, आप किसी भी, आपने यहाँ पे GitHub मैंने ओपन करा, लाइक किसी भी आप GitHub अकाउंट पर जाते हो तो वो आपको GitHub रेपोजिटरी का, आप लाइक मैं अगर बात करता हूँ यहाँ पर लाइक वेब रेपो, मेरी एक ये वेब रेपो है, आपको ये डेटा चाहिए होता है, आपको ये प्रोजेक्ट करा, आप कहते हैं ये कोड मुझे भी मिल जाए, सिंपल से आप क्या करिए उसके रेपोजिटरी के कोड को कॉपी करिए, और अपने वो नहीं करना ना मुझे, सिंपल सा है गिट क्लोन,
क्लोन लिखे और उस पेस्ट कर दीजिए और एंटर। गाइस वो सारी की सारी आपकी क्लोनिंग होके अपने आप ही आपके पास आ जाएगी। लिनक्स में कैसे करोगे आप? अगर लिनक्स पे काम कर रहे हो वहां भी जाओगे, डब्ल्यू गेट कमांड वो सब करोगे ना, यहाँ पर ये फाइल आपकी हो जाएगी क्लोन होके, और जो आपने एक लोकल रेपो बनाई थी उसी लोकल रेपो के अंदर ही ये फाइल आपको विजिबल हो जाएगी, ये देखिए। और इसी के अंदर वो सारे वेबसाइट के भी पेज सारे के सारे आ जाएंगे। तो आप क्या कर सकते हो, गिट क्लोन कर सकते हो। गिट क्लोन से आप किसी भी रेपोजिटरी को डाउनलोड कर सकते हो। अब अगर वो रेपो प्राइवेट है तो उसमें आपको यूजर क्रेडेंशियल्स रिक्वायर्ड होंगी, और पब्लिक है तो वो हो जाएगी। तो जब भी आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देखते हैं तो हर कोई बंदा अपनी रेपोजिटरी देखता है उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। अगर आप वही सेम प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आप उसकी रेपो को क्लोन कर लो तो उसका कोड आ जाएगा, और फिर उस कोड को आप एग्जीक्यूट अपनी नीड के अकॉर्डिंग करें। तो हो सकता है कि आपको उस कोड के अंदर कुछ चीजें चेंजेस भी करनी पड़ जाए। तो ये आपका एक गिट क्लोन है। उसके अलावा एक और चीज है, यहां पर अगर मैं आता हूं कि गिट रिवर्ट, एक आपकी कमांड है गिट रिवर्ट, यानी कि अगर आपको कोई भी डेटा स्टेजिंग एरिया टू वर्किंग स्पेस में लाना है, गॉट इट, स्टेजिंग एरिया टू वर्किंग स्पेस में वापस लाना है, तो लाइक मैंने यहां पे बनाई टी ओ यू सी अटैच अमित, मैंने एक अमित नाम की फाइल बनाई एंड गेट एड डॉट, और मैंने इस फाइल को सॉरी जी आई टी गेट एड डॉट, और मैंने इस फाइल को एड करा दिया। क्या हुआ, एल एस अमित नाम की फाइल है, जी आई टी गेट एस टी ए टी यू स्टेटस। तो यहाँ पर ये हमें जावा प्रोजेक्ट ये सारी फाइल है, क्योंकि मैंने ऐड कर वहां से डिलीट कर रखी थी, तो ये सारी की सारी फाइल देखिए यहाँ पर आ रखी है, क्लियर, जो मैंने डिलीट करी थी। अब डिलीट करने के बावजूद भी वो फाइल्स कहाँ पर दिख रही हैं, गिट के अंदर मुझे दिख रही है, मेरी रेपोजिटरी के अंदर। अब मुझे अगर इन फाइल्स को वापिस लाना है तो आपके पास कमांड है गिट आर ई वी ई आर टी रिवर्ट, ये कमांड है डॉट, सॉरी गेट रिवर्ट नहीं है, कमांड है आपकी गेट रिवर्ट, बता भाई क्या कमांड है आप बता भाई, क्यों गेट आर रीसेट, तो आपकी कमांड है गेट रीसेट और डॉट। अगर मैंने गेट रीसेट डॉट कमांड लगा दिया है तो आपने जो भी फाइल डिलीट करी है वो सारी की सारी फाइल्स आपकी दोबारा से आपके कहां पर आ जाएंगी, वर्किंग स्पेस के अंदर आ जाएंगे। यानी कि आप देखिए कि अब अगर मैं यहाँ पे अगेन चेक करता हूँ गेट स्टेटस, तो सारी फाइल्स कहां पर आ गई हैं, वर्किंग स्पेस के अंदर, और गेट ऐड कर देता हूं तो दोबारा से ये सारी की सारी फाइल्स कहां पे चली जाएंगी, स्टेजिंग, यानी कि गेट रिवर्ट कमांड से आप अपनी फाइल्स को स्टेजिंग एरिया टू वर्किंग स्पेस में। लेकिन अगर आपने गलती से कमांड चला दी गेट रीसेट हाइफन हाइफन हार्ड, सो अब क्या होता है देख लेते हैं, द फाइल्स परमानेंटली डिलीट। अब आपकी फाइल्स क्या हो जाएंगी, यहां से सारी की सारी फाइल्स डिलीट हो जाएंगी। ये क्यों दिख रही है, क्योंकि ये मैंने ऐड ही नहीं करी थी, वेब रेपो है। तो आपकी स्टेजिंग एरिया के अंदर जो भी फाइल्स हैं वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, यानी कि अगर आपको स्टेजिंग एरिया भी क्लीन करना है तो आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप रीसेट करके लेके आ जाइए, और अगर आपको फाइल्स को डिलीट करना है तो हाइफन हाइफन हार्ड कमांड। अब क्या बचा, कमिट वमिट हो गया, गिटहब क्लोन भी हो गया, चलिए गाइस थैंक यू, इतना काफी आज के लिए। नाउ इसी के साथ आपका गिट फिनिश होता है। बाकी आप गिट पे जब काम करोगे तो नई नई चीजें आपके सामने निकल के आएंगे, तो उनके लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा, जो मेन मेन पार्ट है वो सारी चीजें मैंने आपको करा दी है। नाउ थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो, थैंक यू गाइस।